अस्सलाम वालेकुम खुश हमदीद कहते हैं चैनल पर नई वीडियो के साथ आज की वीडियो में हम बैंक ऑफ पंजाब की चेक बुक को अनबॉक्सिंग करेंगे दोस्तों कुछ बैंक से आप चेकबुक लेते हैं तो आपकी चेकबुक या एटीएम कार्ड आपकी ब्रांच में आता है लेकिन कुछ बैंक ये चेकबुक या एटीएम कार्ड आपके घर के एड्रेस के ऊपर भेजते हैं जो अपने अकाउंट के ऊपर मैंशन करते हैं बैंक हमेशा आपका एड्रेस वही लिखता है जो आपके आई कार्ड पर शनाती कार्ड पर दर्ज होता है लेकिन अगर आपको इसके अलावा को अपना एड्रेस लिखना चाहते हैं अपने अकाउंट के अंदर तो इसके लिए आपको कोई और सबूत बैंक को देना पड़ता है कि आप जगह पर रिहाज पर जी तो बैंक आपका जो एड्रेस है वो लिखता है इस बात की यकीनदानी हमेशा से कर लें कि जब भी बैंक में अकाउंट खिलाएं तो अपना जो एकट एड्रेस है वो लिखवाएँ ताकि किसी किस्म की कोई डाक या टी सी एस कुरियर वगैरह आए तो वो आपके करेक्ट जो एड्रेस है उसके ऊपर आए इसके लिए आपका टाइम भी बचेगा और बैंक के भी जो मामला हैं वो भी जल्दी से दायब आ जाएंगे कि आप अपनी चेकबुक या कार्ड रिसीव कर सकेंगे कुछ दिन पहले हमने बैंक ऑफ पंजाब में एक अकाउंट ओपन कराया था ये बैंक इस्लामी की तकवा यानी कि इस्लामिक ब्रांच है इसमें अकाउंट ओपन कराया था और हमारी चेक बुक है वो सात से आठ वर्किंग डे में वो हमारे पास आ चुकी है ये आपके एड्रेस पर डिपेंड करता है कि की लोकेशन क्या है क्योंकि चेक बुक जो है वो हेड ऑफिस से आती है उसमें कुछ जो एड्रेस हैं या नज़दीकी जो एड्रेस होते हैं उन पर डाक जल्दी पहुंच सकती है और कुछ में लेट तो चलें बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानना बिना टाइम जाएगी और पंजाब बैंक की जो चेकबुक है उसको अनबॉक्स करते हैं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मजीद आने वाली मालूमती वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँच सकें जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि कुछ वर्किंग डेज के अंदर आपका कार्ड जो रिसीव हो जाता है मुझे तकरीबन पाँच से सात वर्किंग डे के अंदर जो चेकबुक है वो पंजाब बैंक की जानव से वो रिसीव होगी सबसे पहले अनबॉक्सिंग करने से पहले इस बात की यकीनदानी कर लें कि आपका जो इन्वेलप आया है वो मुकम्मल तौर पर बंद है क्योंकि बास बैंक इसके ऊपर जो अपनी जो प्रॉपर एक सील है मोर लगा के भेजते हैं कि ये पेपर सील है तो बिल्कुल ये जो इसका इनवेलव है पहले एक प्लास्टिक बैग में बांधा जो कि ओपन ही हो रहा था मैंने कैची की मदद से इसको खोला है खोलने के बाद यहाँ पे इसके अंदर मज़दी एक कागज़ का इन्वेलो है जिसके अंदर एड्रेस वगैरह लिखा गया है और कुछ यहाँ पे चीज़ें हैं इस पर ऊपर लिखा गया क्या डिलीवर होता है जो ये जो रिटर्न होगा ये ब्रांच को होगा अगर हमें चेकबुक रिसीव नहीं करते टी सी एस के ऑफिस से तो चेकबुक हमारी ब्रांच में जाएंगी फिर हम वहाँ से रिसीव कर सकेंगे साथ एक लेटर है चेकबुक की जानब से लेटर ऑफ थैंक आपसे कह सकते हैं ये बैंक ने साथ अटैच किया है जैसे कि मैंने बताया था कि मेरा जो अकाउंट हमने खुलाया है वो तकवा इस्लामिक ब्रांच में खुलाया है तो बिल्कुल ये जो चेकबुक है ये तकवा इस्लामिक जो बैंक ऑफ पंजाब की शाहें हैं उनकी जानब से हेड ऑफ से लेटर है इस लेटर को पढ़ना चाहे तो पढ़ भी सकते हैं इस लेटर में तमाम जो डिटेल है वो मौजूद है जैसे कि आई बे नंबर बै ब्रांच का नाम अकाउंट नंबर सारी डिटेल इस जो लेटर है इसके अंदर मौजूद है अगर चेक बुक की बात करें तो जो पंजाब बैंक की रवायती चेक बुक है पंजाब बैंक की तकवा इस्लामिक बैंकिंग की उस बुक से काफ़ी डिफरेंट बुक है और लुक वाइज ये बुक देखने में अच्छी इसका जो फ्रंट पेज है ये नॉर्मल चेक बुक से बहुत ही प्यारा है क्योंकि इस्लामिक वाले कोशिश करते हैं कि ग्रीन कलर को इस्तेमाल करें तो पंजाब बैंक ने ग्रीन और तकरीबन इसका येलो शेड के अंदर इस बुक को दिया है जैसे कि आप देखेंगे कि पंजाब बैंक का चेक तो आमतौर पर ऑरेंज कलर में आता है लेकिन इस चेकबुक के अंदर ग्रीन और ऑरेंज और का मिक्स है साथ येलो कलर भी आप कह सकते हैं और इसके फ्रंट से देखें तो बाहर से ये बिल्कुल जैसे कि मैंने कहा कि इस्लामिक जो एक जो डिज़ाइन है उसको इस्तेमाल किया गया है दोस्तों तो ये थी बैंक ऑफ पंजाब के अनबॉक्सिंग चेकबुक के हवाले से वीडियो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी चैनल को सब्सक्राइब कर लें दुआ में याद रखें अल्लाह हाफिज़